स्वागत है आप लोगों को एक और वीडियो के अंदर। आज भी हम लोग खेलने वाले हैं पेस्कल स्वैगर। और भाई जिस तरीके से तुम लोग देख सकते हो कि बेसिकली अभी जो हूँ मैं एडमिना के अंदर हूँ। और भाई यार तुम लोग को बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए, सबसे पहले मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ एल्टर के ऊपर जाकर। मैंने अभी करेंटली अपने साथ जो है ये ताबूत वाला बंदा रखा हुआ है। जैसे तुम लोग देख सकते हो एल्टर का लेवल हो गया है 22। मेरे पास बोन फ्रेगरेंस पड़ी हुई है 233, बिग बोन्स पड़ी हुई है एक। मेन चीज़ आती है यहाँ पर पोशंस। देखो मेरे पास अभी तुम, मेरे पास एलेक्सर ऑफ हेलेसिनेशंस पड़ा हुआ है जो सैनिटी, क्या नाम है, ये बेकार पोशन है, इसका किसी काम का पोशन ऑफ सैनिटी जो 9 अपना क्या नाम है मेरे पास पड़े हुए हैं। और इससे 6 बोन फ्रेगमेंट्स का पोशन ऑफ सैनिटी बनता है, 6 बोन फ्रेगमेंट्स का। जो ये ल्यूटेनिक वाला जो सीन होता था ना मेरे साथ बार बार, जो मैं मर जाता था, वो सीन पोशन ऑफ सैनिटी की वजह से होता था। और ये इतना सस्ता है कि मैं लिटरली एक एनिमी को मार के 4 पोशन खरीद सकता हूँ। उसके अलावा पोशन ऑफ हेल्थ, अभी तक मुझे ये नहीं पता चला था कि पोशन ऑफ हेल्थ बेसिकली एक अलग पोशन होता है, और हेल्थ एलेक्सर ऑफ हेल्थ एक अलग पोशन है और हेल्थ पोशन एक अलग पोशन है। एलेक्सर जो ऑफ हेल्थ जो है हमारे बफ्स वाले कॉलम के अंदर आता है, और हेल्थ पोशन नॉर्मली जो हमें एल्टर से मिलता है वो वाला सीन है। और मेन चीज़ आती है ये ब्रूट फोर्स का, तुम लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, ब्रूट फोर्स जो है ऐसा पोजीशन है जिससे हमारा जो है अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमारी लेकिन ये डिफेंस को थोड़ा कम कर देता है। डिफेंस का इतना ज़्यादा वैसे ही इशू नहीं होता है, मैं डॉजेस वगैरह ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ शील्ड के मुकाबले में। उसके अलावा पोजीशन ऑफ वेल्थ, ये चीज़ है भाई बेस्ट, ये चीज़ है भाई सलंग। पोजीशन ऑफ वेल्थ एक्चुअली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बोन गेन फॉर 10 मिनट्स। ये बेसिकली करता ये है कि एक पोजीशन हम पिए तो ये पोशन बेसिकली 10 मिनट के लिए हम लोग को एक तरह से बफ कर देता है। फाइनली मुझे बफ्स यूज़ करना आ गया भाई। ये हमें एक तरह से बफ कर देता है, और 10 मिनट तक जो जिस भी एनिमी को हम लोग मारेंगे तकरीबन उसके जो बोन फ्रेगमेंट्स हैं तकरीबन डबल के मुकाबले वो ड्रॉप करता है। तो इससे बोन फ्रेगमेंट्स मेरे लिए जमा करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है भाई। फाइनली जाके मुझे इन्हेंस और रीफॉर्ज का सीन समझ आया। मैं तुम लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ, इंट्रो में मान रहा हूँ थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन ये तुम लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली इन्हेंस करता ये है कि हमारे जो भी ट्रॉफीज़ और आर्ट्रीब्यूट्स हैं जो हम लोग अपने उसके सेक्शन के अंदर लगाते हैं जिससे हमारी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ती है ये उसको बेसिकली अपग्रेड कर देता है। जैसे ये है, मैंने ब्रास हैंडल को 3 कर दिया इसको, तुम लोग वो देखो 37 अटैक, क्रिटिकल डैमेज 5.6% और क्रिटिकल रेट 4.8% और अटैक वर्सेस ह्यूमनॉइड 6%। तुम लोग देखोगे ये क्रिटिकल रेट वगैरह ये इनके अंदर, इसके अंदर पहले होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। मैं बताऊंगा तुम लोग को ये चीज़ कैसे मैं लगा रहा हूँ। इसको अगर मैंने ऐड किया तो ये देखो ये मुझसे मांग रहा है ब्लैक वाटर रबल 2 उसको अपग्रेड करने के लिए, और उसको जब मैं अपग्रेड करूँगा तो इसकी सारी पावर्स को ये इंक्रीज कर देगा। और ये जो ब्लैक वाटर रबल है ये हम लोग एल्फ से ख़रीद सकते हैं। मैंने आज तक एल्फ से कोई भी चीज़ नहीं खरीदी थी। एक छोटा सा बोना नहीं आता है जो बोलता था नो बडी डिस्काउंट में, जिसको दफ़ा दूर कर देता था, वही बंदे की मैं बात कर रहा हूँ। उससे हम लोग बेसिकली इन सामानों को ख़रीद सकते हैं और अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जहाँ तक बात कर रीफोर्ज की, तो रीफोर्ज का बेसिकली ये सीन है कि आप इसके पहले कॉलम के अंदर जो आपका सबसे हाईएस्ट जो ट्रॉफी और एट्रीब्यूट्स हैं उसको आप लगाओ। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये अटैक और क्या नाम है क्रिटिकल डैमेज, अटैक और क्रिटिकल डैमेज ये इसका मेन है, मेन इस रिंग के जो इस एट्रीब्यूट का मेन यही चीज़ है, ये दोनों जो इसके रिंग के साथ मुझे मिली हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने क्रिटिकल रेट और अपना क्या नाम है ये ह्यूमनॉइड लगाया हुआ है। अगर इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा कोई चीज़ अगर यहाँ पे कोई है एट्रीब्यूट मेरे पास दूसरा उसको मैं ऐड करूँगा तो वो इन चारों के अलावा 2 और चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देगा, इससे ये रिंग और ओपी हो जाएगी भैंस की आँख। एट्रीब्यूट्स के अंदर तुम इस करेक्टर की स्ट्रेंथ देखो एक दफ़ा भाई, कितनी स्ट्रेंथ इस बंदे की, 31 कुछ पॉइंट्स मैंने स्ट्रेंथ के मारे हैं, और इस बंदे का अटैक 205 है। मतलब अभी तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है भाई। मैंने टेरेंस को भी 16 सा अपग्रेड किया है, इसकी भी हेल्थ को मैंने 1085 तक लेके आ गया हूँ। अब मैं चाहता तो मैं ग्राइंड कर करके इसकी हेल्थ को और ज़्यादा बड़ा कर देता,
क्या नाम है फ्रेगमेंट्स जमा कर करके, लेकिन फिर उससे होता ही है कि बॉस फाइट्स आसान हो जाता है, और एक जो डार्क सोल का एक जो रियल मीन होता है ना कि बॉस फाइट्स मुश्किल होना, वो मीन ख़त्म हो जाता है, और फिर देन मुझे भी बॉसेस को मारने में मज़ा नहीं आता। ओके अब बात हो गई सारी, हमारा इंट्रो हो गया कंप्लीट। अब मैं बेसिकली हाँ मैं तुम लोग को एक और चीज़ बता दूँ, मैं इस गेम के अंदर बेसिकली साइड मिशंस करने की कोशिश कर रहा था, और साइड मिशन से बेसिकली होता ही है मेरे ख्याल से कि साइड मिशन से होता है किससे होता है, एक दफ़ा मैंने एक बेनीता से एक पोशन ख़रीदा ब्रूट फोर्स एन्चेंटेड ब्रूट फोर्स, उससे मेरे पास जो है वो क्या नाम है ये उससे मेरे पास पोशन ऑफ कौन सा पोशन खुला था, हाँ मेरे पास पोशन ऑफ हेलुसिनेशन खुल गया था, क्या नाम है एलेक्सर ऑफ हेलुसिनेशन बेनीता से परचेज करने पे, और एक मैंने साइड मिशन करा था उससे मेरा पोशन ऑफ वेल्थ खुल गया था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है पोशन बेनीता की वजह से खुल रहे हैं या फिर साइड मिशन की वजह से, साइड मिशन वो भी मैंने पूरा नहीं किया था, जस्ट उसको ज्वाइन किया था और उसी साइड मिशन के अंदर मैं फंसा हूँ अभी तक। और उसके अलावा तुम लोग को बताऊँ गेम प्ले खेलते हुए मैंने एडमिना जाने की कोशिश करी थी, मैंने सोचा एडमिना जाके डंजन वगैरह को ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ, और मैंने जो है बेल पे क्लिक किया, और बेल पे जाने के बाद एकदम से मूवी और स्टोरी स्टार्ट हो गई। उस वक्त जो है था जो है मैंने वॉइस वगैरह इतने हैंड फ्री वगैरह इतनी नहीं पहनी हुई थी, ये सेटअप वगैरह नहीं बिठाया हुआ था, तो उसके अंदर जो है तुम लोग को ये चीज़ें देखने को तो नहीं मिलेंगी, लेकिन छोटी सी क्लिप है जो तुम्हें ज़रूर देखनी चाहिए स्टोरी के हिसाब से। Gathering place of the Demiurges. Why are the monks of the Holy Abbey here? More than a decade ago, the pontifex of the Demiurges, Valand, was sentenced to death because of his betrayal. After that, the Demiurges were banished to Edith and lost the protection of the light, living like known entities. Do you think they can help us? There have long been grievances piling up between them and the church, and you know, enemies of the enemies could be our friends. I don't think they will take such a risk for a few nobodies. A single spark can reignite a fire. How's every... Okay, first of all, तुम लोगों में दिखाता हूँ what is called an strength. देखो अब just देखो. खत्म. टाटा बाय बाय गुड बाय गया। ओ भाई ये बहुत ओपी है भाई, मैं इतना डम्ब हूँ ना लिटरली भाई, मेरे पास तुम चीज़ें देखो इतनी सारी चीज़ें पड़ी मैंने तुम लोग को, अगर मैं चीज़ें दिखाऊँ ना, ये देखो मेरा बैग देखो, इसके अंदर पोशंस देखो कितना पोशन पड़ा हुआ है, इसके अलावा तुम लोग ये देखो कितनी चीज़ें पड़ी हुई है मेरे पास भाई, मैं इतना डंप हूँ, मैं ऐसी बॉस फाइट्स के अंदर घुस जाता था बिना, मैंने तकरीबन गेम कंप्लीट करने के ऊपर आ गया हूँ मैं, ना ही मैंने कभी बफ्स यूज़ करे, ना ही मैंने इंचांटिंग्स यूज़ करी, मैंने कुछ नहीं किया भाई। खैर लेकिन फाइनली अब जाके हम लोगों को पता चल गया और हमारे पास एक नई जगह भी खुल गई है जिसका नाम है एडिथ, लेकिन अभी हम लोग एडिथ पे नहीं जाने वाले, मैं तुम लोगों को रीज़न बताता हूँ। सो, अभी हम लोग एडिथ नहीं जाने वाले हैं, अभी हम लोग बेसिकली जो जाने वाले हैं वो एरिया है अपना क्या नाम है, रुक जाओ यार मैं बताता हूँ। ओके ये हमारे पास अभी एडिथ खुल चुका है, ये हमारे पास एडिथ खुल चुका है द अबेंडेंट पास, लेकिन अभी हम लोग जाने वाले खतिब, हाँ अभी हम लोग जाने वाले खतिब, क्योंकि बेसिकली हाँ मैं अभी तो इसी को लेके जाने वाला हूँ डिपार्चर,
क्योंकि खतिब के अंदर बेसिकली मैं कर ये रहा था कि मैं हर एक मिस्ट्री को, उसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट पैसेजेस हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, तो मैं हर एक सीक्रेट को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था और हर एक सीक्रेट को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और मुझे खतिब के अंदर एक सीक्रेट डंजन टाइप एक जगह मिली है ना, जैसे कैटाकॉम्स कह लो, कैटाकॉम्स टाइप मुझे एक जगह मिली है। और उस जगह के ऊपर मैं वीडियो के अंदर जाना चाहता था। उसने जैसे मुझे ऑप्शन दिखाया ना कि तुम एक लॉस्ट वैली में घुस रहे हो और ऐसे ही कुछ उसने दिखाया था, मैंने फ़ौरन से उस जगह को लीव कर दिया। मैंने बोला बेस्ट लोकेशन जो है, ओ बेस्ट जो सीन है कि मैं वीडियो के अंदर इस लोकेशन पर जाऊँ। हाँ, तुम लोग को मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ भाई, एक चीज़ दिखाना भूल गया। तुम लोग ये देख रहे हो, ये क्या नाम है, इमॉर्टल जेलीफिश जार। ये मेरे पास गेम में, मुझे बताओ कब से है मेरे पास गेम की स्टार्टिंग से ही ये जेलीफिश जार। मुझे पता नहीं था ये बेसिकली करता क्या है। सो बेसिकली इसका काम ये, एक तो पहली चीज़ तो ये अनलिमिटेड यूज़ किया जा सकता है। अनलिमिटेड सुन के तो वैसे ही दिल गुस्सा हो जाता है हम लोगों का। और ये करता ये है कि बेसिकली जैसे अभी तुम लोग देख रहे हो मेरा सैनिटी लेवल लो है, इसको जैसे ही मैं रखूँगा अपने पास, ये मेरी सैनिटी लेवल को इनक्रीज़ कर देगा। तो इसका मतलब मुझे एलिक्सर ऑफ सैनिटी भी पीने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉर्मल मैं वर्ल्ड के अंदर हूँ, बॉस फाइट के अंदर, तो देखो जेलीफिश रे के ऊपर मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त सिचुएशन इंटेंस होती है। लेकिन नॉर्मल अगर मैं वर्ल्ड के अंदर हूँ तो मुझे पोशन ऑफ सैनिटी पीने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जस्ट जेली रे फेंकूँ और उसके ऊपर खड़ा हो जाऊँ, ये दो थोड़ा सा ही टाइम लेता हूँ और मेरी पूरी सैनिटी को मैक्स कर देता है। ओके, नो प्रॉब्लम। एंटरिंग द लॉस्ट वैली, यस अचीवमेंट, डार्क मिस्ट ट्रेवलर। भाई अपने भाई से कुछ हो सकता है क्या? ये मैंने रैंडमली ढूंढी थी ये वैली, मैं एक्सप्लोर कर रहा था जगहों को। बहुत तो फक भाई, डिफिकल्ट है भाई। What the hell? Oh my God, no way, yeah, yeah. Whoa, 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 whoa. Please, please, just hear me out, please. यार क्या चल रहा है ये? एम क्यों नहीं लॉक कर रहा है ये? 71 fucking fragments lose कर रहा हूँ मैं। Ah shit, here we go again. ओ डैम भाई, हर दफा में मैं 72 fragments को lose कर रहा हूँ भाई। नहीं भाई, नहीं 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 use करो उसको। यार मैं मार क्यों नहीं? मैं खैर है, भले ही सारे फ्रेगमेंट्स यूज कर लूं। लिटरली वो दो हिट किल कर रहा है, किल भाई। या मैं जा रहा हूं, 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 जाने दे हरामी। मुझे बस वो उठाना है, मुझे बस वो उठाना है। जाने दो, मुझे जीने दो, मुझे जीने दे।
बस्ती के बच्चे। भागो 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 भागो। यस गॉड, आई एम रियली सॉरी, तुम लोग को साउंड क्वालिटी के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने देरी हो गई क्योंकि पीछे से खर खर हल्की सी आवाज़ हो रही होगी क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ करना भूल गया, सॉरी फॉर डैट। मुझे इस एरिया के अंदर एक और चेस्ट मिली थी जो मुझे एक्सप्लोर करनी है, एक और जगह मिली थी चेस्ट बोलना सॉरी, वो जगह थी बेसिकली हमारे, दो मिनट, ये मिस्ट को पार करने के लिए जो है ना, सॉरी इस पर क्लिक नहीं करना, इसमें इसको पार करने के लिए इसको क्यूब कर लेते हैं। ये कौन कूदा बे, पागल है क्या? कूद के आत्मा भाई, जीना ही नहीं चाहता भाई जिंदगी में। सो बेसिकली मुझे जाना किधर है मुझे ये बताओ कोई, या ये डोर, ये भी एक डोर है हमारे पास। बेड़ा गर्क हो तेरा, वेट फॉर अ सेकेंड, मुझे अंदर दोबारा जाना है, मैंने एक और चेस मिस कर दी, याद आया मुझे। लास्ट वीडियो के अंदर तुम लोगों को अगर याद हो होगा तो एक ना राक्षस खड़ा हुआ था एक चेस के पास, हमें जो नीचे वाले फ्लोर से दिख रहा था ना, उस राक्षस को एक्चुअली मैंने ढूंढ लिया था, यहीं से उसका रास्ता है, यहाँ मतलब इस लोकेशन से नहीं, मतलब यहाँ अंदर वाले साइड से उसका रास्ता है जाने का उसके पास, लेकिन बेसिकली वो रास्ता मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। वो चेस भी मुझे चाहिए चाहिए, लेकिन मैं उस राक्षस को मार के उस वक्त मैंने चेस इस वजह से नहीं ली क्योंकि फिर मैं चाह रहा था कि इन चीज़ों को ना, जो ये चीज़ इस तरीके की जो चीज़ें करूँ मैं उनको एक्चुअली रिकॉर्ड करूँ अपने पास। मिल गया। सो बेसिकली ये एरिया है, उसको मुझे मारना था, यहाँ चेस नहीं है बस ये बंदा ही है। अबे यार मुझे फायर जार फेंकना था, मैं क्या कर रहा हूँ। यार व्हाट द हेल, चेस्ट है यहाँ पे, नाइस। अब ये वाला डोर भी हमारे पास खुल गया, ये हमारे बेसिकली सबसे अंडरग्राउंड एरिया पे, एल्फ वाले एरिया पे खुला है जहाँ पे हमारा एल्टर है। वाटर, ब्लैक वाटर रबल, नाइस। उस डोर के पास जाना है, उसको दफा दूर करो, हटाओ उसको।
ओके हम लोग आ गए हैं। अगर हो जाए ऐसे चेहरा भी मत दिखाओ अपना, ब्रोक एरो, ब्रोकन एरो मतलब। इसको किक कर दें सबसे पहले। अबे करीब आ खरबूजे। क्या अजीब अजीब से बनना है। वो एंशिएंट सिल्वर की आई कैन रिमेम्बर डैडी, वो डोर कहाँ है। सही है सही है सही है सही है सही है सही है। मेरे यहाँ पे ऐसे दो डोर्स हैं जिसके लिए मुझे की चाहिए एक्चुअली। लेट अस गो भाई। ओके व्हाट द फक इज दिस। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही हूँ तावड़ा सा। इट्स प्रीटी डीप भाई, बहुत अंदर तक है, बहुत अंदर तक जाना पड़ रहा है। नहीं नहीं पापी गुड़िया, देख हरामी दीवार के पीछे हूँ मैं, अभी भी मारेगा। एक छप्पड़ मार दूं। एबनॉर्मल स्टेट पे चला गया हूँ मैं। बिग बोन नाइस। ओ नहीं यार ये यूज नहीं करना था। व्हाट द मेरी सेनेटिव हो गई मैक्स। यस जस्ट एक ट्रेजर है यहाँ पे। कोई इश्यू नहीं है, तुम सैनिटी लेवल ही बस डिक्रीज करती है, ये हमारी हेल्थ नहीं खाते हैं। नो इशू भाई, ल्यूटेनिक कर देते हैं बस ये लोग। देखूं तो जरा इसके अंदर क्या है। आ है बोन विसल थी, बेकार चीज, इसके लिए मैं इतनी दूर आया। बोन विसल बेसिकली करती है कि आप किसी भी लोकेशन के अंदर हो और आप अगर उस लोकेशन के ऊपर फंसे हो, आपको इमरजेंसी एल्टर की ज़रूरत हो, तो आप बोन विसल के ज़रिए जो है डायरेक्टली अपने कैरेज के अंदर अपना कैरेज उस लोकेशन पर बुला सकते हो। ये काम करती है बोन विसल। आई डोंट थिंक सो कि मेरा कभी काम पड़ेगा इसके ऊपर, या थिंक सो आगे जाके कभी फ्यूचर में पड़ जाए। मेरे पास ऑलरेडी आई थिंक सो 2 या 3 पड़ी हुई हैं। मैं खुद इस गेम को बैठ के ऑफलाइन बैठ के बहुत लंबे लंबे टाइम तक खेलता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली इस गेम पे हैं क्या, इस गेम के अंदर और उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी हैं। तो अब जो है हम लोग डायरेक्टली बुलाने वाले हैं बेल, बजाने वाले मतलब बेल, और बुलाने वाले हैं अपने कैरिज को और निकलने वाले हैं इस लोकेशन से बाहर। वेट फॉर अ सेकंड। ओह नाइस, क्या आया मेरे पास। ये म्यूटेटेड तुम लोग देख सकते हो, मेरे पास बहुत सारी फजूल की चीज़ें जो एन्चेंटमेंट्स ट्रॉफीज़ वगैरह जो रखी हुई थी, एट्रीब्यूट्स और ट्रॉफीज़, वो मेरे पास अब नहीं है। मैंने इनको एक ट्रॉफी को मैंने गलती से कचरे में फेंक दिया था। देन जब मैं वायोला के पास गया तो मुझे वहाँ पे दिखा सेल का ऑप्शन, तो फिर मुझे पता चला कि हम इन फजूल की ट्रॉफीज़ को और इनको बेच सकते हैं एक्चुअली, और इसके बदले हमें मैंने वो नहीं लगाया, और इसके बदले जो हमें बेसिकली वो मिलता है बोन फ्रेगमेंट्स। या एक्चुअली व्हाई द फक आई एम गोइंग फ्रॉम दिस रूट भाई। वहाँ पे जब मैंने अल्टर के पास गेट खोला था, ये वाले वो सामने वो रहा, वहाँ पर गेट है वो। सो व्हाई द फक आई एम गोइंग फ्रॉम दिस साइड भाई, दिमाग बंद हुआ मेरा। ओके डोकी, बारी आ गई हमारी एडिथ जाने की और एक नई जर्नी को शुरू करने की। ओके डोकी, हम लोग आ चुके हैं एडिथ पर। ये कौन सी लोकेशन। न्यू एनिमीज, न्यू लोकेशन एंड न्यू मिस्ट्रीज। लाइक इट भाई, लाइक इट।
एक एक जगह भैंस की आंख छान लूंगा। जोकर वे क्लाउन है भैंस की आंख। वो रिदम अट वो भैंसिया ओके। बारह फ्रेगमेंट्स दे रहे हैं भाई, बड़े हैं। क्या हो गया भाई? डाइम। अबे बेनिता जैसी नहीं दिख रही है, क्यूट है भाई। डाइम ओ अल्टर। नाइस, मुझे लेफ्ट साइड पे एक चीज पड़ी हुई दिख रही है जमीन पे। हाँ ओके, मुझे पोशन मिला है एलिक्सर ऑफ एनर्जी। बेनिता से बात करने से मुझे एक पोशन ग्रांट हुआ है। ग्रांट्स एंडलेस स्टेमिना फॉर 15 सेकेंड। यार क्या वाहियात है यार, ये 15 सेकेंड्स में क्या कर लूँगा लिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ में भैंस के यहाँ। अच्छा, मैं इन बोन बिग बोन्स को जो है बेसिकली अपने आप को अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जो है मैं जो हूँ पोशन ऑफ वेल्थ वगैरह बना के जो अपने आप को अपग्रेड करने का सीन है वो ऑफलाइन करने की कोशिश करूँगा, और ऑनलाइन जो है ये अपने आल्टर स्वारों का अपग्रेड करूँगा। इसका मैक्सिमम लेवल पता नहीं कितना ही है। प्रिंस है ये? ओ वही लेडी है। Didn't you hear me? हेलो RE4। The damn bell. You are a creature from Edith to the blessed land. Yep. भाई इतना गंदा नॉस्टैल्जिया हिट मारा है जब ये बेल बजी और इसका सर झूमने लगा। मुझे याद है RE4 के अंदर ये होता था अपना क्या नाम है, जब बेल बजती थी ये सारे वो जो ज़ॉम्बी भाग जाते थे भैंसियाँ। What? Don't feel like answering it. Never mind. You're going to be disappointed anyway. There's a rat hindering the gate to the blessed land has been sowed by me. Nobody shall leave her before three. Okay. Okay. Against the power of the church, that likely won't end well. If we... What is it? You will know it sooner or later, but not... ठीक है. This rat is not as simple as it looks. एक धुंध है हवा के अंदर ना, एक वाइट रंग की. The damier just retreat, but it was useless. We just need to stop the bell. Are there any clues? Korea, that guy is my prey. Leave him alone. Ah. अच्छा ये डार्कवुड ये इसके अंडर काम करता है। You better find a place to hide. If you do. What's the matter with the bell? It seems to cause you great pain. Oh, it's nothing. Sometimes I really wonder if we have been cursed. हो सकता है। We can't just sit idly by and wait our doom. जाहिर सी बात है। Find that guy, maybe the easiest way to bless the land. अच्छे खासे ये वो हैं अपना क्या नाम है स्ट्रॉन्ग यहाँ के एनिमीज भैंस की आँख। एडिमिना के अंदर देखा था एक पंच के अंदर फट रहे थे बीच में से भैंस। मुझे ये दो ये क्या है? एरोटेड रॉक रॉक। तो क्या पूजा सी हो रही है भाई? अरे भेड़िया बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैठ जा। 14 fragments by 9. What the fuck?
अबे भाई कितना गंदा RE4 का नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है भाई। नाइस। उसमें भी तो ऐसे एक क्लॉक टावर होता है, ये मैं भूल चुका हूँ उसको एक्चुअली, बहुत लंबे अरसे कोई पहले मैंने खेला था। नहीं 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 नहीं, ग्रुप वाला सीन नहीं बेटा। नहीं 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 नहीं, आ जा आ खेलना है ना यार, व्हाट द फक भाई, क्या रिदम अटैक्स है ये, क्या रिदम अटैक्स है भाई। दो एनिमीज को मार के मुझे इतना सामान मिल रहा है, समझ रहे हो मतलब कितना मुश्किल है इन लोगों को मारना। तो भाई हैवी सीन है भाई यहाँ का कुछ ना कुछ तो। एडिथ मॉस, ये भी किसी ना किसी पोर्शन के अंदर डेफिनेटली यूज होने वाला है। क्या गंदी जगह है ये, ये क्या पानी उबल रहा है अंदर। ओ भाई चूल्हा बंद कर दो भाई। हेलो, दरवाजा किधर है। वाह वाह वाह, ऐसा घर है दरवाजा ही नहीं है घर में। Oh? But I'm gonna be butt ass naked so the wind could just be hitting my balls and shit. Hey bro, watch your jet. Watch your jet, bro. Watch your jet! Nine? तो फक भाई, मैंने अपना रेज अटैक किसी और लोकेशन पे यूज कर दिया। मैं डिजर्व करता हूँ एक्चुअली मरना जिस तरीके से मेरा हाथ चल रहा है। ओके भाई, आई एम फकिंग बैक टू माय अल्टर भाई। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत लंबे टाइम से खेल रहा हूँ मैं। हाँ, की टू द रूम इन खतिब, ये की मैंने अभी तक यूज़ नहीं करी, हम लोग डायरेक्टली एडिट आ गए थे। जो है मैं ऑफलाइन आई थिंक सो बैठ के जो है खतिब क्या जाऊँगा वापस, और जाने के बाद इस सीक्रेट डोर को खोलने की कोशिश करूँगा। और ये एनिमीज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, वैसे मैं थोड़ा सा बैठ के यहाँ पर ग्राइंड भी करने वाला हूँ, और ताकि मैं अपने अल्ट्रा लेवल को थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ, और उसकी मैं अपडेट तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूँगा। बाकी वीडियोस मेरी ये सीरीज़ मिस मत करना, बहुत ही प्यारी सीरीज़ है, और एक वाइट डार्क सोल गेम है जो मोबाइल के अंदर अवेलेबल है, इसकी सीरीज़ है, बहुत ही प्यारी सीरीज़ है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। इसके अगर तुम लोगों ने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो उनको मिस मत करो, तुम लोग इसका मतलब है एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस को मिस कर रहे हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना है जल्दी से लाइक, नीचे कमेंट करके मुझे इसके बारे में और कोई टिप्स एंड ट्रिक्स देनी है, अगर कोई चीज़ मैं किसी लोकेशन पे मिस कर रहा हूँ तो उसके बारे में मुझे बता दो, मैं कोशिश पूरी करूँगा कि उस लोकेशन के ऊपर जाके उस जगह को एक्सप्लोर करूँ। और क्या नाम है, शेयर वीडियो को कर दो, और प्लीज़ 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 भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ, लेकिन सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, और मैं तुम लोग को अपडेट करूंगा इसका लास्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है भाई, बाय बाय। मैं भी ज़रा पानी पीऊँ, प्यास और लग रही है मैं।